नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। तो आज के अपने इस वीडियो सेगमेंट में, जो कि हमने डेडिकेट किया है मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहां पे हम कॉमनली यूज मेडिसिन के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंकोविट टैबलेट के बारे में। जिंकोविट एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल दवाई होती है जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी दवाई के बारे में, जिंकोविट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दवाई क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है हमारे शरीर को, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जो इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इससे जुड़ी जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, प्रिकॉशनरी पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अपने वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में। इसका जो प्राइस रेंज है ये करीब 105 रुपये से शुरू होता है और ये वेरी करता है क्योंकि मार्केट में ना सिर्फ जिंकोविट के नाम से, अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा अलग अलग नाम से ये टैबलेट हो सकता है अवेलेबल, तो उसी के हिसाब से इसके जो प्राइस है उसमें वेरिएशन आ सकता है। हम अपने वीडियो में जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, फिर जो नाम का हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम उसको उस हिसाब से करते हैं जिस तरीके से वो पॉपुलर होता है, ताकि आपको समझने में वो आसान हो। तो सेम दवाई अलग अलग नामों से मार्केट में प्रेजेंट हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जिंकोविट टैबलेट है ये मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल दवाई होती है। इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, उसके अलावा और कई सारे मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, आयोडीन है, जिंक है, क्रोमियम है और ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है। तो ये इसकी बेसिकली कॉम्पोजिशन है और इसका जो ईच कॉम्पोजिशन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसको एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है या फिर हो सकता है ये किसी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा हो। तो जिंकोविट में जो भी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हमारे नर्व की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो जो हमारे शरीर में डैमेज हुआ रहता है, हमारे सेल में जो डैमेजेस होते हैं वो इसके द्वारा उसकी भरपाई होती है। तो हार्मफुल केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स के भी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर से, उनको भी ये फाइट बैक करते हैं। तो यूजली जैसे आपके डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से लेना चाहिए। कॉमनली इसको दिन में एक बार लिया जाता है, तो मॉर्निंग आवर्स में आप ले सकते हैं। वो जो डोज होता है वो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फाइट बैक करने के लिए काफ़ी होता है। तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस दवाई को आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हालांकि ये वेल टॉलरेटेड दवाई होती है, सेफ दवाई है, कुछ एक कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कि अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं एक दो दिन में, लेकिन अगर वो परसिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे जुड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्किन रैशेज हो सकते हैं, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, हालांकि जैसा कि मैंने अभी बोला एक दो दिन में सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर परसिस्ट करता है, आपको डिस्कम्फर्ट करता है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं हमेशा के साथ शेयर करती हूँ कि जो दवाइयाँ हैं हमेशा उसको ओरिजिनल दवाइयाँ ही खरीदनी चाहिए। मार्केट में कई बार नकली दवाइयाँ भी प्रेजेंट होती हैं जिनकी जो कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ओरिजिनल दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी दवाई आप जब खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, वो आप ज़रूर पढ़ें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो भी दवाई खरीदते हैं अगर वो स्ट्रिप फॉर्म में है तो कहीं से भी कटा फटा ना हो, दवाई बाहर से एक्सपोज्ड ना हो। उसके अलावा अगर आप शीशी फॉर्म में खरीदते हैं, बॉटल फॉर्म में खरीदते हैं, तो कहीं से लीकेज ना हो, उसका कैप सील पैक में हो, कहीं से कुछ भी टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो दवाई की ओरिजिनलिटी है और एफिशिएंसी है वो बरकरार रहे। तो अब अगर हम बात करते हैं जो की बेनिफिट्स हैं जिंकोविट की, तो क्या क्या हैं वो, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें इतने सारे विटामिन और इतने सारे मिनरल्स है कि हमारी इम्यूनिटी को ओवरऑल ये बूस्ट करता है। हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, कई सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, तो वो सारी डेफिशिएंसीज को कवर अप करता है। उसके अलावा रेड ब्लड सेल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है, साथ ही साथ जो जनरल फटीग होता है, थकान होता है, उसको कम करने में मदद करता है। लंबे समय की बीमारी है उसकी वजह से जो कमज़ोरी हो गई है उसको कवर अप करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा सर्जरीज के बाद ऐसी कोई कंडीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एज़ पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो भी, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी में भी ये हेल्प करता है अच्छे हेल्थ को बनाए रखने में, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो एक जो सेफ्टी पॉइंट होता है प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने बताया, हालांकि प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक कंडीशन हो सकती हैं कि जिसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी है या फिर प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, ब्रेस्ट फीडिंग है, इन सारी कंडीशन में हमेशा अपने डॉक्टर को संपर्क करें, कंसल्ट करें, तभी दवाई लें। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का, इंक्लूडिंग सिंकोविट, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कई बार प्रॉब्लम कर सकता है। लंबे समय के लिए किया गया इस्तेमाल भी दिक्कत करता है, तो उतने ही डोज में उतने ही ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें जितने टाइम के लिए आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। आप आगे प्लान कर रहे हैं कुछ और सप्लीमेंट लेने के लिए, तो उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि हम ड्रग इंटरेक्शंस को बचा सकते हैं। हो सकता है कि किसी और दवाई की वजह से जो आप प्रेजेंटली दवाई आपको डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में कोई इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर और कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर को अपनी दवाइयों के बारे में पूरी हिस्ट्री देते हैं तो ऐसी सारी कंडीशंस को बचाया जा सकता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी दवाई को अल्कोहल के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो आज के अपने वीडियो में हमने डिस्कस किया जिंकोविट टैबलेट के बारे में, इससे जुड़ी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इससे आपकी नॉलेज ज़रूर इसके टूवर्ड्स बढ़ेगी। और भी कोई सुझाव चाहते हैं या किसी और तरीके का कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके। मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।